16, 4.3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो दिया हुआ है गोले की त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या को आर से लिखते हैं, तो आर बराबर कितना है, 4.3 सेंटीमीटर। गोले की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 4.3 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो यहां पे लिखेंगे गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। तो आर हो गया त्रिज्या गोले का, तो यहां पे हम लिख लेंगे 4/3 गुना पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुना आर, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 4.3। तो 4.3 का घन हो जाएगा, क्योंकि आर का घन है, आर का घात 3 है, तो 4.3 का घात क्या देंगे, 3, इस तरह लिख लेंगे। तो हो जाएगा 4/3 गुना 22/7 गुना 4.3 गुना 4.3 गुना 4.3, 4.3 का क्या है, घन है, तो 3 बार इसको गुना कर लेंगे। अब इसको गुना कर लेते हैं, देखिए 22 चौक 88, 88 गुना, तो लिखेंगे 88 गुना, तो 4.3 गुना 4.3 गुना 4.3 करेंगे तो आ जाएगा 79.507। अब बटा में लिख लेंगे 7 * 21, तो 88 गुना 7, 79.507 बटा 21, इस तरह लिख लेंगे। देखिए 22 चौक क्या हो गया, 88, और ये तीनों को गुना करने पे आ गया 79.507। अब 88 गुना 79.507 करने पे क्या आ जाएगा, 6,996.616 बटा में 21 लिख लेंगे। तो 88 गुना 79.507 करने पे आ जाएगा 6,996.616, तो ये दोनों को गुना करने पे इतना आ जाएगा, बटा 21 लिखेंगे। अब 6,996.616 को 21 से भाग देंगे तो आ जाएगा 333.17 घन सेंटीमीटर। तो कितना इसका आयतन कितना आएगा, 333.17 घन सेंटीमीटर, आयतन घन में होता है, तो 333.17 घन सेंटीमीटर हो जाएगा गोले का आयतन। अब कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 4 πr², आर हो गया गोले की त्रिज्या, तो लिखेंगे बराबर 4 × π का मान होता है 22/7 गुना आर, त्रिज्या कितना है 4.3, तो 4.3 का वर्ग हो जाएगा, आर की जगह पे क्या लिखेंगे, 4.3, तो 4.3 का वर्ग होगा, तो लिखेंगे 22 * 88
बटा सात गुना 4.3 गुना 4.3। देखिए 4.3 का वर्ग है, तो 4.3 का वर्ग है तो लिख लेंगे 4.3 गुना 4.3 और 22 गुना 4 करेंगे 88 आ जाएगा, 22 चौक 88, तो 88 बटा 7 गुना 4.3 गुना 4.3 हो गया। अब यहाँ पे अब लिखेंगे 88 गुना, तो 4.3 गुना 4.3 करने पे आ जाएगा 18.49 बटा 7। 4.3 गुना 4.3 कितना आ जाएगा, 18.49 बटा में क्या है 7 है। अब 88 गुना 18.49 करने पे आ जाएगा 1627.12 बटा 7। तो देखिए 88 गुना 18.49 ये दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1627.12 बटा 7। अब 1627.12 को 7 से भाग देंगे तो आ जाएगा 232.45। क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है तो 1627.12 को भाग देंगे 7 से तो आ जाएगा 232.45 लगभग में, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर आ गया, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 232.45 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल करेंगे।